नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविंद्र सचान। देश देशांतर में आज बात केरल की। जी हां, केरल की, इसलिए क्योंकि केरल ने अब राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसे अलग अलग चरणों में लागू करने की बात राज्य सरकार ने कही है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के फैसलों का कितना असर दिखता है और वाकई जिन राज्यों में इस तरह के फैसले लिए गए उनका अनुभव क्या रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वेंकटेश रामकृष्णन, जो कि डिप्टी एडिटर हैं फ्रंटलाइन से। वेंकटेश, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं गांधीवादी विचारक रामचंद्र राही साहब। राही जी, बहुत स्वागत है। और टीआर कक्कर साहब हैं, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कक्कर साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में राही साहब आपसे करना चाहूँगा, केरल सरकार का ये फैसला किस तरीके से आप देखते हैं? धीरे धीरे शराबबंदी की ओर उन्होंने कदम बढ़ाने की बात कही है, जिसे अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा। मैं तो सबसे पहले केरल की सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि एक सही दिशा में कदम उठाया गया है। सही दिशा में उठाया गया कदम पूर्णता के साथ हो, संपूर्णता के साथ, तो और अच्छा होता है। ऐसे अनेक प्रयास अनेक राज्यों में हुए हैं, लेकिन उसकी समग्रता के अभाव में अंततः वो विफल हुए हैं, विफल घोषित किए गए हैं, बनाए गए हैं। इसलिए बधाई तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आधे अधूरे मन से। क्यों आपको लगता है आधे अधूरे मन से? क्यों? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि अलग अलग फेजेस में हम बढ़ाएंगे। शुरुआत में 700 बार बंद करने की बात है, इसके बाद प्रत्येक महीने में रविवार को ड्राई डे घोषित करने की बात हो रही है। जो लग्जरी होटल हैं, फाइव स्टार होटल, वहाँ पर सिर्फ शराब मिलेगी। जो बाकी होटल्स हैं या फिर पब हैं, उनको बंद करने की बात हो रही है। देखिए, बधाई इसलिए कि उन्होंने एक सही दिशा में कदम उठाया, लेकिन संकोच इसलिए है कि थोड़ी भी गुंजाइश रहती है तो कहीं ना कहीं से जो योजना लागू की जाती है उसमें कमजोरी आने लगती है। ऐसा अनेक राज्यों के अनुभव में आया है। और मूल बात यह है कि शराब के कारण सबसे अधिक तबाही होती है वो गरीब परिवारों की, गरीब तबके के लोगों की, और उसमें भी सबसे अधिक महिलाएं त्रस्त होती हैं। अब समाज के सामने आप कौन सी दिशा रख रहे हैं? कहीं भी लोगों के मन में ये तो आएगा कि जो एफ्लुएंट है, जो एलीट है, उसके लिए शराब अच्छी चीज़ है, और जो गरीब है उसके लिए शराब बेकार चीज़ है, गंदी चीज़ है। तो शराब खोरी को एक प्रतिष्ठा का दर्जा तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक पैमाने पर इसे नहीं तोड़ा जा रहा जी, और उससे होगा क्या कि फिर तरह तरह से स्मगलिंग बढ़ेगी। मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा आपके पास और राय भी लूंगा, लेकिन उससे पहले वेंकटेश, क्योंकि आप इस राज्य की अगर बात करें, जो आपका राज्य भी है, यहाँ पर करीब 8.3 लीटर प्रतिवर्ष की खपत है प्रति व्यक्ति, जो कि देश में सबसे ज्यादा है किसी भी राज्य के लिहाज से। और उस राज्य में अगर शराबबंदी की बात सरकार कर रही है तो कितना व्यवहारिक आपको दिख रहा है, या फिर ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक फैसला है, सिर्फ एक, मैं कहूँ कि इमेज मेकओवर के लिहाज से फैसला दिखता है? ये तो केरला का एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आपने आंकड़ा बताया और जैसे सोशल सिचुएशन में हम देखते हैं, जैसे अभी दोहराया गया कि जो महिला जिस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, और पुअर कम्युनिटीज़ में जैसे इसका अल्कोहलिज्म का इम्पैक्ट क्या असर करता है, ये सब तो केरला में तो जैसे कैजुअली आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये जो इसका ये एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को, इसका सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को सुधारने के लिए ये कदम सही कदम है, मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरह आपने बोला और जैसे ये जो डिस्क्रिमिनेशन ड्रिंकिंग में हो रहा है, जो हम केरला में जो सिचुएशन जो अभी आगे आएगा, जैसे केरला में तो 1995 में जो कंट्री लिकर का बैन हो गया था, जो अरैक का, उसके बाद क्या हुआ, लोग अपने घर में कंट्री लिकर बनाना शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल में अभी तो ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी, वैसे तो मेरा जानकारी है कि
बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी बनाने का वो जो टेक्निक जो स्वायत्त किया है, ऐसे लोग भी होंगे। और मेरे ख्याल में ये जो बूटलेगिंग होगा ये स्मगलिंग के बाद जो हुआ, और घर में ब्रूअरी, छोटा छोटा ब्रूअरी हर विलेज में आपको मिलने का स्थिति हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि एक जो है जिसे कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप में डेवलप हो जाएगी वहाँ पर। हाँ, इलीगल स्मॉल स्केल, इलीगल, हाँ इलीगल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा। और ये तो बिना कोई सीरियस थिंकिंग इसमें नहीं गया है, क्या किस तरफ इस सोशियोलॉजिकल इश्यू को एड्रेस करना है, कैसा इसका पॉलिटिकल मूवमेंट। ये तो क्या हुआ है, कांग्रेस के अंदर दो लीडर्स, कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट वीएम सुधीरन और चीफ मिनिस्टर उमन चांडी, इन लोगों के बीच में एक मॉरल पोस्टरिंग का एक लड़ाई हो गया। सुधीरन तो ईमानदार लोग समझते हैं सुधीरन को, और इसका ईमानदारी की वजह से ही उसको केरल में पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। तो वो तो अपना मॉरल पोस्टरिंग आगे बढ़ाया। तो उसके साथ जो कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई हो रहा था उसमें जो केरला में कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत सालों से चल रहा है, मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस के ऐसे छोटे छोटे पार्टियाँ, छोटे नहीं वो भी बड़े पार्टियाँ, वो लोग इसका ये जो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी जो कलह हो रहा था उसका फ़ायदा उठा के कांग्रेस के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम करने का प्रयास किया, और मिनिस्ट्री में अपना रोल और अपना हिस्सा बढ़ाने का प्रयास किया। इसको खत्म करने के लिए कांग्रेस फाइनली, कांग्रेस का लीडरशिप वॉज पुश टू कम टुगेदर एंड इम्प्लीमेंट दिस। इसमें कोई मेरे ख्याल में ये मॉरल पोस्टिंग के अलावा कोई, सिर्फ मॉरल पोस्टिंग, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 20% यानी कि जो टोटल इनकम है मैं कहूं कि टूरिज्म के जरिए केरला की, उसका 20% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। तो सरकार अगर इतना बड़ा फैसला ले रही है तो वेंकटेश क्यों आपको उसकी मंशा पे क्यों उसके जो है संदेह हो रहा है, क्यों आप डाउट कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि सरकार कुछ गंभीर भी हो? नहीं, ये जो मैं बोल रहा ना पहले से, एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, ये टूरिज्म का भी एक हिस्सा है, सब है। और ये इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे एड्रेस करना है, एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम तो जो जितना फायदा रेवेन्यू लाता है उतना ज्यादा नुकसान जो सोशल साइड पे होता है और इकोनॉमिक साइड पे भी होता है। बिल्कुल, जो घर में जो आदमी पैसा बनाता है वो घर में नहीं आता है, वो तो दारू के दुकान में चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये तो इकोनॉमी को नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए ना। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कोई प्लान ही नहीं है, ये तो कम्प्लीटली नीजक रिएक्शन है। आपका निजी रिएक्शन है, कंप्रेहेंसिव प्लान नहीं है। कक्कर साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा इस चर्चा में, क्योंकि आप उस विभाग से जुड़े हुए हैं रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, नजरें होती है जब इस तरह के बड़े फैसले कोई राज्य सरकार लेती है। कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है इस तरह के फैसलों को अमल में लाना, यानी कि लागू करवा पाना आपकी नजर में? देखिए, इस फैसले के पीछे क्या राजनीति है, क्या मंशा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इस फैसले को लागू करने के बाद समस्याएं कुछ हद तक कुछ देर के लिए अवश्य बढ़ेंगी, क्योंकि अगर ये फॉरेन लिकर जो है ये बंद हो जाता है, जो कि पैसे तो गरीबों के खर्च अवश्य करवाता है लेकिन उनको कोई शारीरिक हार्म नहीं होता है। अब लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाएगा, और जो इलिसिट लिकर बनेगा उस पर हमने आम देखा है कि बड़ी कई बार ऐसा लिकर मार्केट में आ जाता है, इलिसिट लिकर के सैकड़ों मौतें हो जाती हैं, ये एक बात अलग है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल दो विभाग करते हैं, एक तो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है जी। और काफी बड़ा हिस्सा जो है पुलिस स्टेशन्स के जो संख्या है वो इन चीजों में अब इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर पुलिस फोर्स की ओर वृद्धि नहीं होती है उस मिकदार पर, तो पुलिस की जो नफरी है एक्चुअल लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कम हो जाएगी और दूसरी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, वो एक चीज़ है। दूसरा क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि खासकर केरला में, पहले दो मेरे जो साथी हैं उन्होंने भी कहा है
सबसे ज्यादा शराब का चलन जो है वो केरला में है, और केरला में इस तरह ये इसको बंद करना बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कठिन, और कई तरह के लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे, शराब फिर भी होगा। इसके अतिरिक्त बाहर से जो आ जाता है कर्नाटका से आएगा और साथ लगता है बिल्कुल कर्नाटका से आ जाएगा, दूसरी जगहों से आ जाए बिकॉज कर्नाटका में खुला है। लेकिन प्रयास है, एक प्रयास को देखना है कैसे होता है, और जरूरी नहीं कि ये सरकार जैसे कह रही है 2-3-4 साल में लगाएंगे, तो तब तक हो सकता है कुछ और ही हो जाए और दूसरी सरकार समझे कि इसको लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कठिनाइयां बढ़ेंगी, बढ़ेगा करप्शन, बढ़ेगी करप्शन। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, जिन राज्यों में ऐसा नहीं कि केरला पहला राज्य है, कई सारे राज्य हैं, गुजरात से लेकर अगर बात करें छत्तीसगढ़ कुछ समय के लिए हरियाणा, कई राज्यों की गिनती है जहां पर शराबबंदी की कोशिशें हुई हैं, लेकिन क्या वाकई शराबबंदी के फैसले के साथ शराब का जो दुष्परिणाम दिखता था जनता पे वो उन राज्यों में नहीं दिखा, या फिर उसके बाद जैसे कि आप कह रहे हैं करप्शन बढ़ेगा, इलीगल जो है शराब की बिक्री बढ़ जाती है, और वो जो आंकड़ा जिसे हम कहते हैं कि ऑफिशियल तौर पर बिक्री कम हो गई लेकिन वो पर्दे के पीछे चोरी छिपे या सीमा पार से लगातार बदस्तूर जारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में वेंकटेश फिर वही सवाल उठता है कि जो आप कह रहे थे कि पोस्चरिंग की सिर्फ कोशिश हो रही है। पोस्चरिंग तो एक कारण, केरला में स्थिति ऐसा हो गया कि ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो ईमानदार और यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड और यू नो इंटेग्रिटी, जो पॉलिटिशियन को इंटेग्रिटी है, उसका पॉपुलर अपील ज़्यादा होता है, क्यों लेफ्ट के साइड पर जो अपोजिशन है लेफ्ट डेमोक्रेटिक सीपीएम के साइड में ऐसा एक नेता बहुत सालों से काम कर रहा है, वीएस अच्युतानंदन 90 साल की है, लेकिन उसका इमेज और उसका हेल्थ बहुत अच्छा है और वो कम्युनिकेट करता है लोगों के बीच में, उसका इंटेग्रिटी सब लोग मानते हैं। तो कांग्रेस को जो लास्ट चुनाव का टाइम आया था वो बहुत सारा करप्शन स्कैंडल्स था, सेक्स स्कैंडल्स था, ये सब तो कांग्रेस का लीडरशिप को बहुत प्रॉब्लम किया था। उस समय सेंट्रल लीडरशिप ने वीएम सुधीरन का भी छवि अच्छा है उसको, तो सुधीरन तो अपना जो इंटेग्रिटी और जो मॉरल पोस्चरिंग थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा हाँ, वो तो शुरुआत में बार लाइसेंस का बंद करने का प्रयास एक आंदोलन चलाया था, उसमें से जो खराब बार है जो बार हेल्थ की पैरामीटर्स को सही नहीं करता है उसको बंद करने का फैसला किया, फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये जो अभी टोटल प्रोहिबिशन की तरफ जा रहा है, इसमें जो करप्शन और ये जो बूटलेगिंग की बात जो बोला है, केरला में नॉर्थ केरला में एक जगह है, नॉर्थ केरला का 2 डिस्ट्रिक्ट है, कैलिकेट और कैननूर, उसके बीच में एक हिस्सा है माही, वो माही पांडिचेरी में पड़ता है, वहाँ शराब सस्ता भी मिलता है। तो क्या होता है, जैसे ये जो अराक का प्रोहिबिशन हुआ था उसी समय से ये माही, तो माही का छोटे छोटे गांव है, माही तो बहुत छोटा सा जगह है, वो मतलब छोटी सी जगह में बड़ा प्रोडक्शन हाउस खुल जाता है। बड़ा प्रोडक्शन नहीं, वहाँ तो लोग तो ये सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए, टूरिज्म करने के लिए आते हैं केरला के दूर दूर से, केरला से जस्ट फॉर ड्रिंकिंग, दे कम एंड स्पेंड अ होल डे ड्रिंकिंग एंड दे फॉल ऑन द रोड एंड पीपल हैव टू टेक देम आउट, जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन को भी दिक्कत होता है। तो ऐसा स्थिति हो जाएगा बहुत सारे जगह। चलिए वेंकटेश, मैं ब्रेक ले, यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन कई सारी रोचक चीज़ें निकल रही जो तब सामने आ रहे हैं कि असल में केरल सरकार का ये फैसला वाकई जो हकीकत जो सरकार दावा कर रही है, जो संदेश देना चाहती है, उससे थोड़ा सा अलग हटकर दिखता है। लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले के राज्यों में इसे लागू करने के प्रयास किए गए वो असफल क्यों हुए हैं, क्या वाकई पहले से सोच उसी तरह की थी कि सिर्फ संदेश देना है इसे लागू नहीं करवाना, या फिर वाकई लागू करने में कानूनी अड़चनें भी आती हैं। ब्रेक उस बार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है केरल की, जहां पर राज्य सरकार ने अब शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार ये कह रही है कि हम इसे चरणबद्ध तरीके में रोक लगाएंगे ताकि उसका जो सामाजिक असर होता है, जो बुराइयां हैं, उसको दूर किया जा सके। लेकिन समझने की कोशिश ये हम कर रहे हैं कि असल में क्या ये फैसला व्यावहारिक है और सरकार की वाकई क्या यही मंशा है जिस उद्देश्य को उसने बताया है। राही साहब,
सबसे बड़ा सवाल, आपने सुना तमाम लोगों को जो कानूनी जानकार हैं कि कितनी मुश्किल होती है सर के फैसलों को, तो क्या ये कहा जाए कि वाकई सरकारों का मकसद असल में शराब की बिक्री को रोकना नहीं बल्कि उस फैसले के जरिए सिर्फ एक संदेश देना है, पोस्टरिंग पर दिखती है? देखिए, दो चर्चाओं में दो बातें जो उभर के आईं, एक तो कितना ये प्रैक्टिकल होगा लागू करना, और उसके पीछे की जो राजनीति है, उसकी जो मंशा है, और पुलिस और प्रशासन को कैसे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, ये अपनी जगह है। सर्वोदय वाले, गांधी विचार वाले अनेक आंदोलन शराबबंदी के चला चुके हैं, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, स्वयं मणिपुर की महिलाओं ने एक बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया शराबबंदी का, और मैंने स्वयं मणिपुर में देखा है, इम्फाल के जगह जगह रात को महिलाएं ग्रुप में बैठती थी और कोई शराब पी के निकलता था, उनका फैसला था, घोषित फैसला था, और वो उनको पकड़ के बंद कर देती थी और दंड लगाती थी, पिटाई भी कभी कभी कर देती थी। ये एफर्ट हुआ था जनता के द्वारा, खास तौर पर महिला तबके की तरफ से। कठिनाई क्यों आती है? क्या शराबबंदी होना चाहिए ये मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए जरूरी है या नहीं है? आज हमारे जो विकास की सारी दिशा है, वो सारी दिशा मनुष्य को उपभोक्तावादी बना रही है, और उसमें मनुष्य की हर कमजोरी व्यवसाय का विषय बन गई है। बाजार ने उसको हथिया लिया है। जी, बाजार ने उसको पकड़ लिया है, और बाजार मजबूत है, सामाजिक सुधार के आंदोलन, सामाजिक सुधार के प्रयास उनको बाजार बहुत आसानी से फेल कर देता है, निकल जाता नहीं देता है मैदान में, टिकने नहीं देता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम समाज के, देश के विकास की दिशा बाजार केंद्रित कर रहे हैं या मानव केंद्रित कर रहे हैं। बाजार में मूल्य नहीं होते, बाजार में दाम होता है, मुनाफा होता है। तो यहाँ पर कठिनाई आ रही है। कोई अच्छा से अच्छा आप कानून लागू कर दीजिए, उसकी व्यवस्था कर दीजिए, लूपहोल्स उसमें आ जाएंगे, और उसके बाद उसको रोकना मुश्किल होगा, और अंततः ये परिणाम घोषित किया जाएगा कि भाई कर नहीं पाए, फेल हो गया, इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। वेंकटेश, इस पूरे फैसले को अगर गौर से देखा जाए, ये भी दिखाता है कि क्या एक जो क्लास है उसको भी डिफरेंशिएट किया गया है। लग्जरी होटल्स में शराब आप बेच सकते हैं, आप जो एक आम तबका है, जो छोटे ढाबे हैं या होटल है, वहाँ पर उसकी पाबंदी होगी। तो ये किस तरह की विचारधारा और किस तरह का ये फैसला है? क्या ये कहा जाए कि शराब के बेचने या उसको पीने को लेकर भी एक क्राइटेरिया सरकार फेस करना चाह रही है? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन केरला में करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि केरला में जो लिटरेसी लेवल तो हाई है, तो इसलिए तो ये एक्सप्लेनेशन कर पाएगा, क्योंकि ये जो एक दो चीज़ बताएंगे कि एक शराब का जो कॉस्ट बढ़ा के उसको जो पुअर का रीच से बाहर करते हैं, इसलिए तो वो पुअर को फायदा करेगा, क्योंकि पुअर का रीच से बाहर करने, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही होगा। एक एक्सप्लेनेशन ये होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा कि ये जो छोटे लेवल पे जो होता है, उसका ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट नेगेटिव ज़्यादा, अल्कोहलिज्म कर ऐसे चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, हाई लेवल का कम होता है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन केरला में चल सकता है। लेकिन दूसरी बात जो जो बोला था कि जो मणिपुर का एग्जाम्पल बोला था, और जो केरला में भी बहुत सारे विलेजेस पंचायत्स में ये जो महिला ग्रुप्स जो ये जो विजिलेंटी के काम करके, बहुत सारे विलेज ऐसे हैं और पंचायत ऐसे हैं जहाँ मर्द का जो रिफॉर्म हुआ है ड्रिंकिंग हैबिट से, छोटे छोटे पंचायत में नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर हजारों लोग ऐसे मुक्ति लिया है। मेरे ख्याल में जो सरकार का ये विचार सही था, सरकार इफ इट वांटेड टू रियली एक्चुअली इंप्लीमेंट समथिंग लाइक दिस, यू नो, ब्रिंग डाउन दिस ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इन केरला, इट शुड हैव एक्चुअली ट्राइड टू काइंड ऑफ, यू नो, बिल्ड अप अ सोशल मूवमेंट, बिल्ड अप, यू नो, इन्वॉल्व पीपल। देर आर सो मेनी स्मॉल ग्रुप्स इन पब्लिक हेल्थ एंड ऑल दैट। जैसे मेरा भी फ्रेंड्स कुछ
ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, महक फाउंडेशन जैसे मेंटल हेल्थ के लिए, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी ये जो ये अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, इन लोग ये सब ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के बावजूद द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ लॉ विच इज आई डोंट थिंक दैट यू नो विच हैज़ गॉट एनी सेंस और विच हैज़ गॉट विच इज कम्प्लीटली थॉट आउट. और तस्करी कैसे आप, क्या ये कहा जाए कि सिर्फ बड़े होटल्स में वाकई मिल पाएगी, फैसले के बाद अमल कर पाएंगे, इसे लागू कर पाएगी सरकार, या फिर कहा जाए कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स होंगी वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि गूगल है या फिर नेट के जरिए? अभी तो मैं जैसे मैं इंडिकेट कर रहा था, हर चौथे पांचवें घर में तो अभी तो ब्रूइंग शुरू हो सकता है केरला में, क्योंकि ड्रिंकिंग इतना सोशली एक्सेप्टेड है केरला में. केरला का एक सोशल कल्चर का एक हिस्सा है, क्योंकि केरला में हर फेस्टिवल में, हर रिलीजियस फेस्टिवल में ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि इफ यू टेक एनी रिलीजियस फेस्टिवल, टू डेज बिफोर दैट एंड टू डेज आफ्टर दैट द सेल ऑफ लिकर विल यू नो हिट द रूफ टॉप. सो यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ यू नो कंट्रोल द सिचुएशन. जी कक्कड़ साहब, जो राही साहब बात कर रहे थे, क्या वाकई वो भी एक बेहतर तरीका है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य में, अगर वो चाहती है कि वहाँ पर शराब बिक्री पर पाबंदी हो, या उसका सही तरीके से कि पहले आप सोशल सेक्टर यानी कि लोगों को जागरूक कीजिए, संगठनों को आगे बढ़ाइए, वो लोगों को मोटिवेट करें, उनका हृदय परिवर्तन कराएं, उसके बाद आप कानून के जरिए, डंडे के जरिए थोड़ा सा डर दिखाते हुए उनको सही रास्ते की ओर आगे बढ़ाएं, ना कि आप इस तरह के फैसले को लागू करें जहां पर पुलिस के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हों और तस्करी और करप्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हों? देखिए, प्रयास जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है अच्छा है, लेकिन जो आपने अभी कहा कि केरला में इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं लोग, फेस्टिवल्स हो या उनके मॉर्निंग हो, कुछ हो, वो पीना है उन्होंने, तो सबसे पहले इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए था और उसके बाद ये नशाबंदी स्टेजेस में करनी चाहिए थी. जो व्यक्ति हर रोज एक मतलब आधा लीटर पी जाता है, उसको सडनली आप बंद कर देंगे तो वो और जगहों में ढूंढना शुरू करेगा, जिस तरह की भी शराब उसको मिलेगी, अच्छी है बुरी है वो लेगा. अब आपने कैटेगरी भी खड़ी कर दी, आपने कहा होटलों में तो मिलेगी, 5-5 स्टारा होटलों में या दूसरे होटलों में, और बाकी बाजार में नहीं मिलेगी. मेरा ये अपना कहना है कि ये बिल्कुल विफल रहेगा. इससे तो आप थोड़ा और आगे चले जाइए, कहिए कि सिर्फ फॉरनर्स को मिलेगी, बाकी किसी केरलाइट को वहां नहीं मिलेगी. आई नो ये इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा कर, लेकिन ये इससे आप ये जो दो वर्ग बनाए हैं आपने अपनी वहां पे, इन वर्गों को एटलीस्ट ऑफिशियली खत्म करेंगे आप. तो एक तो ये की, दूसरा एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन गोज, इम्प्लीमेंटेशन कठिन जरूर होगा. इसमें स्पूरियस लिकर आएगा, मौतें होंगी, और आपको इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी में वृद्धि करनी पड़ेगी, खर्चे आपके बढ़ेंगे. ठीक है, वो गवर्नमेंट एक सोशल अवेयर, एक सोशल इशू पे कर रहे हैं, जरूर ठीक है, लेकिन ये कठिन, बहुत कठिन है इसको इम्प्लीमेंट करना. देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है. पांडिचेरी की बात आई थी, मुझे याद है, मैं सन 75 से लेकर सन 79 तक IG पांडिचेरी था. पांडिचेरी में चार हिस्से हैं, यनम तो है वो आंध्रा में है, माहे केरला में है जो अभी बता रहे थे, और पांडिचेरी और कराईकाल तमिलनाडु में. उन दिनों में तमिलनाडु में प्रोहिबिशन थी, आज भी है. अब क्या है कि सैटरडे संडे को, अगर उस वक्त पांडिचेरी की पॉपुलेशन शायद 3 लाख थी या 4 लाख थी, कम से कम 2-3 लाख लोग रोज तमिलनाडु से वहां आते थे, शराब पी के वापस चले जाते थे, कुछ सड़कों पे गिरे होते थे, कुछ ही होता, यही चीज कराईकाल में होती थी. दूसरी चीज ये होती थी कि पांडिचेरी से ऑफिशियली, मैं आज कहने को तैयार हूं क्योंकि 30 साल से ऊपर हो गया, तो मैं बता सकता हूं कि जो वहां के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो कहते थे भाई आप इनको लेकर यहां से जाने दो, आप तमिलनाडु में, हमें तो इनकम होती है. लेकिन जब मेरी मीटिंग हुई वहां के DGP से, वहां के IG से, उन्होंने कहा भैया बंद, तो हमने बंद कर दिया, हम पांडिचेरी और कैरीकाल से तमिलनाडु में, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों
आपको तो रोकना चाहिए अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? ये सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, तो इससे तो हमें इनकम हो रही है, ये उस वक्त की चर्चा थी और आज भी यही हो रहा होगा। तो ये थोड़ा सा इन सब चीजों पे विचार करना पड़ेगा। और माहे की तो बात कही है, माहे में तो सारा दिन रात लोग पीने को वहां तो पीते ही रहते हैं। जी जी कक्कर साहब, बहुत ही आपने कड़वा अनुभव साझा किया हमारे साथ, और जो तकनीकी पहलू था, मैं समझना चाह रहा था। 30 साल हो गए मैं अब सीक्रेट जी बिल्कुल 30 साल हो गया मैं अब सीक्रेट आपको बता सकता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही समझने के लिए कोशिश कर रहा था कि असल में जब इस तरह के फैसले होते हैं तो क्या वाकई जो नियत और मैं कहता हूँ कि मंशा जो होती है कि वाकई सरकारों की यही होती है, या फिर पर्दे के पीछे मंशा कुछ और है और दिखावा किसी और बात का किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर अपनी राय और विचार रखने के लिए। देश देशांतर में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।